और अब आगे बढ़ते हैं। बलिया लोकसभा के गठबंधन प्रत्याशी सनातन पांडे ने मतगणना के दौरान बलिया के जिलाधिकारी पर धांधली करने का आरोप लगाया है। सनातन पांडे का दावा है कि उनके वोटों को कम करके भाजपा प्रत्याशी को जबरन जिताया गया है। सनातन पांडे का कहना है कि चुनाव आयोग का साफ निर्देश था कि पोस्टल बैलेट पेपर की गिनती के बाद ही ईवीएम की गिनती होगी, लेकिन बलिया में पहले ईवीएम की गिनती शुरू हुई और देर शाम तक प्रत्याशी को उसके मतों की जानकारी तक नहीं दी गई। साथ ही मतों को भाजपा प्रत्याशी के खाते में जोड़कर वीरेंद्र सिंह मस्त को विजयी घोषित कर दिया गया। तो जो आयोग के नियम है कि हर शब्द का जो है घोषित बड़ा घोषित किए जाएंगे, वोटों की गिनती घोषित की जाएगी, वह जो है पहले चरण के बाद उसको रोक दिया। मनमाने तरीके से दो तीन घंटे बाद जो है कभी जो सब मिलाकर एक बार घोषित कर देंगे और यहाँ टेबल पर बैठ करके स्वयं वोटों की हेराफेरी कर रहे थे। हमारे वोटों को उनके ऊपर चढ़ा जा रहा था, उससे भी नहीं सफल हो पाए। जो सबसे पहले काउंटिंग हो जानी चाहिए, जो आयोग का नियम है बैलेट पेपर की काउंटिंग पहले हो जानी चाहिए। 8 बजे का बक्सा खुला, 4 बजे तक एक भी बात बताने को तैयार नहीं हुए वोटों की स्थिति क्या है। अंत में आते आते जब काउंटिंग का अंतिम समय चल रहा था, हर आरओ टेबल पर बिना वोट के हमारे वोटों को कम कर करके उनके वोटों को बढ़ा कर करके हर जगह 4,000 5,000